Good morning, students. So from today we are going to start our plus one syllabus of physics. So first of all, I would like to tell you about physics. So what is the meaning of physics? We can say that physics is that branch of science which deals with the nature and its laws. ध्यान रखिएगा, physics science का वो branch है जहाँ बेसिकली क्या करेंगे, नेचर के बारे में और उसके लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, उसका हम बोलते हैं फिजिक्स। बेसिकली क्या होता है कि चार, यू कैन से फोर इवेंट होती हैं या फोर स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इवेंट। क्या होता है इवेंट? इवेंट का मीनिंग होता है कि मतलब कोई भी घटना जो है वो पहले क्या होती है, हैपन होती है, घटित होती है, उसको हम इवेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूटन जो है वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो सेब क्या किया, नीचे गिरा, तो एक इवेंट है, ठीक है। इवेंट के बाद जो दूसरा स्टेप हमारे पास आता है, दूसरा स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन। क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप आपका आता है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, जो भी इवेंट आपका हुआ आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना। ये इवेंट हुआ तो क्यों हुआ भाई? मान लीजिए आपका एप्पल नीचे गिरा, तो एप्पल नीचे गिरा, तो एप्पल नीचे क्यों गिरा, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। और तीसरा जो स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लीजिए न्यूटन साहब ने जब देखा कि एप्पल नीचे गिरा, तो उसने क्या किया होगा, एक पत्थर लिया होगा, उसको नीचे उसको रिलीज किया होगा तो पत्थर भी काया नीचे आया, नारियल लिया होगा तो नारियल भी काया नीचे आया, और न्यूटन एक बेंच पे खड़ा हो गया, बेंच पे खड़ा होकर जंप किया तो न्यूटन भी काया नीचे आया। तो ये सारे क्या एक्सपेरिमेंट थे। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद बेसिकली फिजिक्स में क्या बनता है, लॉ बनते हैं। क्या बनते हैं? लॉ। तो फोर स्टेप होते हैं, इवेंट होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, लॉ होगा। पहले कोई इवेंट होगा, फिर हम इवेंट को ऑब्जर्व करेंगे, इवेंट को ऑब्जर्व करने के बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बेसिकली क्या बनता है, लॉ बनते हैं, राइट। सो दीज आर द फोर स्टेप्स। नाउ From today we are going to start our plus one syllabus. The first chapter which is mentioned in NCERT, that is a physical world. क्या है? Physical world है, but physical world is not so important. That is important according to GK point of view, है ना। यदि आपको अपना GK enhance करना है तो आप physical world study कर सकते हैं, okay? और जो important topic है that is chapter number 2, जहाँ से आपका reality में क्या होगा, सिलेबस स्टार्ट होगा, किसका, प्लस वन का। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या नाम है? यूनिट एंड मेजरमेंट। दिस इज अ चैप्टर नंबर 2 ऑफ अ प्लस वन फिजिक्स। यूनिट, व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट वी कैन से दैट स्टैंडर्ड और दैट रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड। यूनिट बेसिकली वो स्टैंडर्ड होता है, वो रेफरेंस होता है जिसके टर्म में हम किसी क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए मास है, मैंने बोला 4 किलो, तो मैंने मास को मेजर किया किलो की टर्म में, तो किलो उसका यूनिट है। मैंने बोला 5 किलोमीटर, तो मैंने लेंथ को मेजर किया किलोमीटर की टर्म में, तो किलोमीटर उसका यूनिट है। मैंने बोला 4 लीटर, तो मैंने वॉल्यूम को मेजर किया लीटर की टर्म में, तो लीटर बेसिकली उसका यूनिट है। तो यूनिट बेसिकली वो स्टैंडर्ड या वो रेफरेंस होता है जिसके टर्म में हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट का अर्थ होता है कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड। क्या होता है? कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड और रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, राइट। कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड और रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए आप शुगर लेने जाते हैं, आपने बोला बेसिकली कि मुझे भाई 4 किलो शुगर दो, तो क्या करेगा वो 4 किलो का बाटिया रखेगा और फिर उस 4 किलो से शुगर को कंपेयर करेगा, है ना। मतलब शुगर का जो वजन है वो क्या करेगा, 4 किलो के इक्वल करेगा और फिर वो 4 किलो शुगर आपको देगा। तो उसने शुगर को कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, जो वजन था बाट का उससे कंपेयर किया, है ना। तो बेसिकली हमने शुगर को कंपेयर किया विद सम स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, राइट। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज अ फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी। क्या आता है? फिजिकल क्वांटिटी। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज?
Actually, physical quantities are those quantities which can be measured accurately. Physical quantity वो quantity होती है जिनको मैं accurately measure कर सकते हैं, like mass हो गया, like length हो गया, like time हो गया, like temperature हो गया. These are the quantities which can be measured accurately. These are called physical quantities. So we can say that physical quantities are quantities which can be measured accurately. Which can be measured accurately. है ना, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, सारा का सारा इसका एग्जांपल है किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का. मास को, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को इजीली मेजर कर सकते हैं. सो दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा अब मुझे बताइए, हैप्पीनेस, मैंने क्या बोला, हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस बताइए कैसा क्वांटिटी, क्या है फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, हैप्पीनेस बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. क्यों नहीं है भाई? कोई बंदा कितना हैप्पी है, कैन वी मेजर दिस? नो. कोई बंदा कितना खुश है हम उसको मेजर नहीं कर सकते. तो हम कहेंगे कि हैप्पीनेस आपका एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ऐसा मान लीजिए आपका सोरो, सैडनेस है ना, फीवर, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं होता, बिकॉज हम हैप्पीनेस को, सोरो को, सैडनेस को और फीवर को मेजर नहीं कर सकते. ध्यान रखिएगा, जब हम फीवर की बात करते हैं तो जैसे आप डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर फीवर मेजर नहीं करता, डॉक्टर बेसिकली क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है. तो फीवर ये बेसिकली क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी फीवर जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज दिस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली. सो कीप इन माइंड दैट हैप्पीनेस, सोरो, सैडनेस, फीवर, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज. Mass, length, time, temperature, which can be measured accurately, are called physical quantities. और जो physical quantities हैं, उनको हम basically तीन part में divide कर सकते हैं. All physical quantities can be categorized into three categories या three parts. पहला जो part है, उसको बोलते हैं fundamental quantities. क्या बोलते हैं? Fundamental quantities. So first one is known as fundamental quantities. Second one is known as derived quantities. DERIVED, derived quantities. Third one is known as supplementary quantities. क्या बोलते हैं इनको? Supplementary quantities. सप्लीमेंट्री क्वान्टिटीज. तो कीप इन माइंड दैट फिजिकल क्वान्टिटीज कैन बी कैटेगराइज इन टू थ्री कैटेगरीज. वन इज फंडामेंटल क्वान्टिटी, सेकेंड वन इज डायरेक्ट क्वान्टिटीज एंड थर्ड वन इज नोन एज सप्लीमेंट्री क्वान्टिटी. तो पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वान्टिटी के बारे में. एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं, फंडामेंटल बोले तो बेसिक, फंडामेंटल बोले तो बेसिक क्वान्टिटी. मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर बेसिक, विच कैन नॉट बी डराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज. है ना, तो हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज. बोले तो हम बोलेंगे कैन नॉट बी डराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज. Cannot be derived from other quantities are known as fundamental quantities. Right? Or you can say fundamental quantities are those quantities which cannot be subdivided into simpler quantities. Fundamental quantity basically वो quantity है जिनको हम और छोटे part में नहीं तोड़ सकते. These are known as fundamental quantities. Right? तो ध्यान रखिएगा, fundamental quantities are the basic quantities. Cannot be derived from other quantities. Also cannot be divided further into simpler quantities. So these are known as fundamental quantities. There are seven fundamental quantities. सात क्या होती है? Fundamental quantity होती है. पहला fundamental quantity है आपका mass. दूसरा आपका fundamental quantity होता है length.
थर्ड वन आपका होता है टाइम, फोर्थ वन आपका होता है टेम्परेचर, फिफ्थ वन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आपका आता है करंट, सिक्स्थ वन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और जो सेवंथ और लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो दीज आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब कुछ आप स्टडी करेंगे इलेवेंथ क्लास में। करंट ये आपने टेंथ में स्टडी किया है रिसेंटली, और आप इसको बहुत ही एलेबोरेटली स्टडी करेंगे प्लस टू में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बेसिकली प्लस टू में आएगा। और लास्ट जो क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो आप प्लस वन में स्टडी करेंगे, प्लस टू में स्टडी करेंगे, फिजिक्स में स्टडी करेंगे एज वेल एज केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, राइट। सुना होगा आपने मोल, और जैसे ही केमिस्ट्री स्टार्ट होगी बेसिकली यही क्वांटिटी आपको दिखाई पड़ेगी। तो इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी जो क्वांटिटीज होती है इनको बोलते हैं डेराइव क्वांटिटीज, तो नेम इंडिकेट कर रहा है डेराइव। डेराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम डेराइव करते हैं, क्या करते हैं डेराइव करते हैं, कहाँ से डेराइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से, राइट। सो डेराइव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, और यू कैन से दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी डिवाइडेड इंटू फंडामेंटल क्वांटिटी। डेराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं और समझ आएगा। जैसे मान लीजिए स्पीड है, बताइए स्पीड क्या होता है। स्पीड जो हमारे पास होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है टाइम होता है। तो जो स्पीड को हमने डेराइव किया कहाँ से, कहाँ स्पीड से डेराइव किया और टाइम से डेराइव किया, है ना, मतलब डिस्टेंस और टाइम की कलेक्शन से स्पीड क्या हुआ डेराइव हुआ। डिस्टेंस बोली तो लेंथ, लेंथ बोली तो फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा क्या होगा टाइम, टाइम बोली तो क्या होगा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो हमने स्पीड को डेराइव किया लेंथ से और टाइम से, बोले तो हमने स्पीड को डेराइव किया फंडामेंटल क्वांटिटी से। सो वी कैन से दैट स्पीड इज ए डेराइव क्वांटिटी। सिमिलरली वी टेक एग्जांपल वेलोसिटी, हाँ जी बताइए वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इज डेराइव फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, टाइम बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को भी हमने डेराइव किया कहाँ से, लेंथ से और टाइम से। तो वेलोसिटी भी बेसिकली क्या आपका एक वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक आपका डायरेक्ट क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी को हमने इन फंडामेंटल क्वांटिटी से डायरेक्ट किया लेंथ से और टाइम से। तो वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाएगा आपका डायरेक्ट क्वांटिटी कहलाएगा। ऐसा मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, ये सारी की सारी क्या होती हैं डायरेक्ट क्वांटिटी होती है। सो डायरेक्ट क्वांटिटीज कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। थर्ड वन होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। There are two supplementary quantities. One is called plane angle. First को हम बोलते हैं plane angle और second को हम बोलते हैं solid angle. क्या बोलते हैं solid angle. तो दो supplementary quantities होती है, एक होता है plane angle, दूसरा क्या होता है आपका solid angle होता है। Plane angle का unit होता है radian, क्या होता है radian, और solid angle का unit क्या होता है stay radian, क्या होता है stay radian। इसको हम आगे elaborately study करेंगे, ठीक है। फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्ट्स, डेराइव विच आर डेराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव क्वांटिटीज, एंड दे आर टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वन इज कॉल्ड प्लेन एंगल, अदर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन and unit of solid angle is stay radian, right? Keep in mind that happiness, sorrow, sadness, fever, these are not physical quantities because these can't be measured accurately. इनको measure नहीं कर सकते तो ये आपके physical quantity में count नहीं होती।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूनिट क्या होता है। यूनिट बेसिकली वो स्टैंडर्ड है, वो रेफरेंस है जिसके टर्म में हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो हम बोलेंगे रेफरेंस। क्या बोलेंगे? रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच, रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड, रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड। तो ध्यान रखिएगा, वो स्टैंडर्ड या वो रेफरेंस जिसकी टर्म में हम एक किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे मास है, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम मास का यूनिट है। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर लेंथ का यूनिट है। वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में, तो लीटर बेसिकली क्या है? वॉल्यूम का यूनिट है। एरिया को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर बेसिकली एरिया का यूनिट है, राइट? अच्छा, जो यूनिट है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आपका यूनिट आएगा फंडामेंटल यूनिट्स। क्या आएगा? फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स, वही कैन से दीज आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट आएगा उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, राइट? आप जानते हैं देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज मास। मास का जो यूनिट आएगा, जो फंडामेंटल यूनिट आएगा, वो क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। अच्छा, लेंथ की बात करें तो लेंथ का क्या आएगा? मीटर। क्या आएगा? मीटर। हाँ जी, टाइम का बताइए। टाइम का फंडामेंटल यूनिट आएगा आपका सेकंड, राइट? टेम्परेचर, टेम्परेचर का आपका यूनिट होता है डिग्री केल्विन। क्या होता है? डिग्री केल्विन, या के लिए बोलेंगे केल्विन, डिग्री केल्विन या केल्विन। नेक्स्ट होता है करंट। करंट का आपका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है एम्पीयर। क्या होता है? एम्पीयर। नेक्स्ट होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला, सी एन डी ई एल ए, कैंडिला। सी डी सिंबल होता है, सी डी क्या होता है? रिप्रेजेंटेड बाई सी डी। और लास्ट वन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। इजंट, जैसे प्लस वन का सिलेबस स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का, आप मोल के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं यूनिट्स लिखा है, दीज आर इन एसआई सिस्टम। किसमें है? एसआई सिस्टम में, विच इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इजंट, अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा हमारा जो यूनिट होगा उसको बोलते हैं डेराइव यूनिट्स। क्या बोलते हैं? डेराइव यूनिट्स। दूसरा जो यूनिट हो गया दैट इज नोन एज अ डेराइव यूनिट्स, डी ई आर आई वी ई डी, डेराइव यूनिट्स। तो ये क्या होगा भाई? आपके जो डेराइव क्वांटिटी होती है, क्या होती है? डेराइव क्वांटिटी होती है, उनका जो यूनिट होगा उनको हम क्या बोलते हैं? डेराइव यूनिट्स, राइट? जैसे मान लीजिए स्पीड, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, है ना? मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो इस यूनिट को हमने डेराइव किया है कहाँ से? फंडामेंटल यूनिट से। तो इसको हम बोलते हैं डेराइव यूनिट्स। ऐसे हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो ऐसा ही हमने इसको भी क्या किया? डेराइव किया कहाँ से? फंडामेंटल यूनिट मीटर से और फंडामेंटल यूनिट सेकेंड से। तो एक्सीलरेशन भी क्या आपका? डेराइव यूनिट्स है, मतलब मीटर पर स्क्वायर सेकेंड भी क्या आपका? डेराइव यूनिट्स है। तो ध्यान रखिएगा, डेराइव क्वांटिटीज का जो यूनिट होगा उनको क्या बोलते हैं? डेराइव यूनिट्स बोलते हैं। मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड का यूनिट, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। ऐसा मान लीजिए फोर्स करंट क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया।
ये भी क्या आपका डायराइड यूनिट्स है। तो ध्यान रखिएगा, डायराइड यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट्स होता है जिनको हम डराइव करते हैं कहाँ से, फंडामेंटल यूनिट से। और थर्ड वन क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो क्वांटिटी है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो उनका जो यूनिट होगा उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। लाइक प्लेन एंगल है ना, बताइए प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, ये होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और एक होता है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है स्टी रेडियन। क्या होता है, स्टी रेडियन। इनके बारे में आप इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो आपका रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है क्या होता है, स्टी रेडियन होता है, राइट। इसको भी हम बाद में डिफाइन करेंगे, और इसको भी हम बाद में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, मतलब सीवी से पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हाँ जी बताइए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट कंप्राइजेस द सेट ऑफ द यूनिट्स ऑफ ऑल फंडामेंटल एंड डायराइड क्वांटिटीज, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसके अंदर जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो आपकी डायरेक्ट क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है इसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम। क्या बोलते हैं, MKS। M बोले तो मीटर, K बोले तो किलोग्राम, S बोले तो सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, लेंथ आपका मीटर में होता है, मास आपका किलोग्राम में होता है, किस में होता है, किलोग्राम में होता है, और टाइम आपका किस में होता है, सेकंड में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो MKS सिस्टम है उसमें लेंथ आपका मीटर में आएगा, मास आपका किलोग्राम में आएगा, और टाइम बेसिकली किस में आएगा, सेकंड में आएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज मीट्रिक सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। दूसरा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं CGS। क्या बोलते हैं, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है, सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर। आगे आप स्टडी करेंगे, सेंटी का जो होता है 10^-2, मास किस में आएगा, आपका ग्राम में आएगा, और टाइम बेसिकली किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो इसको बोलते हैं CGS सिस्टम। क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम, राइट। एक और सिस्टम होता है इसको बोलते हैं FPS। क्या बोलते हैं, FPS, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें क्या आएगा, लेंथ आपका किस में आएगा, फुट में आएगा, किस में आएगा, फुट में, है ना। मास किस में आएगा, पाउंड में आएगा, तो मास आपका पाउंड में आएगा, और टाइम आपका किस में आएगा, सेकेंड में आएगा, है ना। जैसा जिम में जाते हैं तो जिम में आप जो वजन उठाते हैं तो जो चक्के होते हैं बेसिकली इसमें होता है पाउंड में होते हैं, है ना, 40 pound, 60 pound, राइट। तो वो जो होता है वो सारे के सारे चक्के का वजन बेसिकली इसमें होता है पाउंड में होता है। और लेंथ में हम क्या है, लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड की टर्म में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड FPS सिस्टम। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला 1 kg और 1000 g, क्या बात अलग अलग है, नहीं, एक ही बात है। मैंने बोला 1 kg, तो 1 kg हम सब जानते हैं 1000 g के इक्वल होता है, है ना, कोई डिफरेंट बात नहीं है, सेम बात है। तो देखो, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1000 है। यहाँ यूनिट बड़ा है, यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ यूनिट क्या है, छोटा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ यूनिट बड़ा होगा वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, और जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा वहाँ यूनिट क्या होगा, छोटा होगा। मतलब हम इसका ऐसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू एन यू, एन यू इज ए यू कैसे कॉन्स्टेंट, एन यू क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। n बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यू बोले तो यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो यूनिट क्या होगा, छोटा होगा, और अगर यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, है ना। यहाँ से देखो विजिबल है, यूनिट आपका
बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटा है, यूनिट आपका छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ा है, राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज होगा तो यूनिट क्या होगा, छोटा होगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा तो यूनिट क्या होगा, बड़ा होगा। और जो लास्ट सिस्टम है उसको बोलते हैं एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं? एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एस आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड एस आई सिस्टम। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नोन एज एस आई सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? एस आई सिस्टम बोलते हैं, राइट। बस ऐसा सिस्टम में जो मास है उसका यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम आएगा, लेंथ का मीटर आएगा, टाइम का क्या आएगा, सेकेंड आएगा, टेम्परेचर का फिर क्या आएगा, डिग्री केल्विन आएगा, राइट, करंट का एम्पियर आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल आएगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोल। सो दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इजंट। आगे हम इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। जैसे एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या एफपीएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, या फिर एसआई को हमें एफपीएस में कन्वर्ट करना है। तो आगे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ वी विल स्टार्ट। मान लीजिए यूनिट है, क्या है यूनिट है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। हम बोलेंगे फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट्स। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट, यूनिट के अंदर क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। हाँ जी बताइए, फर्स्ट वन क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन तो होना चाहिए इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्या होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या हुआ, मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। जैसे किलोग्राम है, आप किलोग्राम को इंडिया का बंदा भी जानता है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो मतलब कहीं किसी भी कंट्रीज का बंदा है, वो किलोग्राम को जानता है, ऐसा मीटर को जानता है। तो बेसिकली यूनिट आपकी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोकल यूनिट यूज़ करते हैं, मन, एक मन बोले तो 40 किलो, घड़ी, एक घड़ी बोले तो 5 किलो, तो वो जो यूनिट है वो बेसिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, तो ऐसे सिस्टम में नहीं आते, उनको बोलते हैं लोकल यूनिट। क्या बोलते हैं? लोकल यूनिट। दूसरा क्या होना चाहिए? यूनिट आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या हो गया? हाँ जी बताइए, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होगा? जैसे मैंने बोला कि पेन का जो लेंथ होगा, पेन का जो लेंथ होगा वो आपका 1 फुट होगा, ठीक है। अब ये तो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं छोटे पेन बनते हैं, कहीं बड़े पेन बनते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में पेन का साइज क्या है, बड़ा है, अमेरिका में पेन का साइज क्या है, छोटा है, जापान में जो है वो पेन का साइज क्या डिफरेंट है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो मतलब पेन का अगर साइज डिफरेंट होगा तो 1 फुट भी क्या होगा, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर यूनिट आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब 1 मीटर इतना है, इट शुड बी वेल डिफाइंड कि 1 मीटर इतना है, तो वो सबको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में बेसिकली इतना लेंथ आता है, और वो हर जगह एक्सेप्टेड होना चाहिए। हर एक कंट्रीज में 1 मीटर जो है एक्सटेंडेड होना चाहिए, कि इतनी लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। तो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। थर्ड जो फीचर होनी चाहिए यूनिट के अंदर, इट शुड बी इनवेरिएबल। क्या होना चाहिए? इनवेरिएबल। यूनिट आपका इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इनवेरिएबल बोले तो इनवेरिएबल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्री ले लिया, ट्री को मैंने रेफरेंस मान लिया, मैंने बोला भाई ट्री का जो हाइट है वो 1 मीटर है, राइट। ट्री का हाइट क्या है? 1 मीटर है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, ट्री का हाइट तो बढ़ेगा, तो ट्री का हाइट अगर बढ़ेगा तो 1 मीटर क्या होगा, चेंज होगा। ट्री का हाइट अगर बढ़ेगा तो 1 मीटर क्या होगा, चेंज होगा। तो 1 मीटर अगर चेंज होगा तो वो क्या होगा, वेरिएबल हो गया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिट आपका इनवेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका इनवेरिएबल यूनिट होना चाहिए, मतलब उसमें इनवेरिएबिलिटी होनी चाहिए।
टाइम के साथ या किसी फिजिकल फेनोमेना के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए. तो यूनिट शुड बी इनवेरिएबल, इजंट. फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा, प्रॉपर साइज, है ना. यूनिट का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए. क्या होना चाहिए, प्रॉपर, है ना. जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि सपोज करो एक खंभा है, ठीक है, बहुत लंबा खंभा है, उसको मैंने एक मीटर मान लिया. क्या मान लिया, एक मीटर, इजंट. तो वो बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए मुझे 50 मीटर मेजर करना है, तो मुझे वैसे 50 खंभे लेकर आने पड़ेंगे तब मैं 50 मीटर को मेजर कर पाऊंगा, है ना. तो ये जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसे एक साइज प्रॉपर होना चाहिए, इजंट. ऐसा नहीं कि आप मतलब आपका कोई यू कैन से प्रॉपर साइज का मतलब यही होगा कि साइज जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, साइज एक लिमिट में होना चाहिए, इजंट. अनलिमिटेड साइज नहीं होना चाहिए, इजंट. और फिफ्थ वाला हम क्या कह सकते हैं, फिफ्थ वाला हम कह सकते हैं कि यू कैन से वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, या फिर आपका इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए. लास्ट वाला अगर मैं बोलूँगा तो ये क्या होगा आपका, इजीली एक्सेसिबल. तो यूनिट आपका इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए. सो दीज शुड बी द क्वांटिटीज, दीज शुड बी द क्वालिटीज इन ए यूनिट. तो एक यूनिट के अंदर बेसिकली क्वालिटीज होनी चाहिए, ओके. सो दैट्स सफिशियंट फॉर टुडे. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड पैरेलेक्स मेथड, etc. etc. Thank you. Have a nice day.